चार लाइन भूमिका में कवि जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं जरा गौर फरमाएंगे। कि जालिम सितम से भरा दिल जो गम से तो शबनम के आंसू निकलने लगेंगे, देखा जो मंजर तो डोला है अंबर, समंदर भी आस जलने लगेंगे, दिल की लगी दिल लगी ना कहो, गर्म सांसों से पर्वत पिघलने लगेंगे, पागल दीवाना है दिल का है मुश्किल, जो छेड़ो तो अरमान चलने लगेंगे। पागल दीवाना है दिल का है मुश्किल, जो छेड़ो तो अरमा मचलने लगेंगे। एक लाइन है जो गजल बा, गजल के बोल बा मास्टर कैसे। यहाँ है गजल के लाइन बा, किसी तम भी करना सितम भी करना और दुआ भी करना, किसी ने कहा कि सितम भी करना और दुआ भी करना, निगाह उल्फत कभी न करना, लेकिन कवि जी लिखले हुआ हमारी लाए आया आपो लोगन की लाए की बात बा। का लिखला ये धरती पर बहुत लोग बा हित नाथ दोस्त साथी, लेकिन बहुत अच्छी बात लिखे, हजारों लाखों में कोई होता हजारों लाखों में कोई होता, बनाया जिसने निभाया रिश्ता, कवि जी लिखला हजारों लाखों में कोई होता और बनाया जिसने निभाया रिश्ता, सुना है बुलबुल से गुल का किस्सा, सुना है बुलबुल से गुल का किस्सा, उजाला गुलशन को एक फरिश्ता, कहानी की शुरुआत मास्टर कैसे। स्टैचू को hey!
पहचान वाला शोध संस्थान। मालवीय जी भीख मांग करके, चंदा मांग करके हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में। ए भैया वही बनारस का बात बा, वंदना शर्मा, वंदना शर्मा जो पटना से पढ़ने आई है, वंदना शर्मा जो पटना से पढ़ने आई है, गोरखपुर के राहुल सिंह से दिल लगाई है। वंदना नाम की एक लड़की जो पटना की रहने वाली थी, हिंदी से एमए कर रही थी, एमए की छात्रा थी, और उसी बनारस विश्वविद्यालय में गोरखपुर का रहने वाला था। कहानी का शुरुआत बा बनारस बीएचयू में, पटना की रहने वाली वंदना नाम की एक लड़की वंदना शर्मा एमए की छात्रा थी, और उसी में गोरखपुर का रहने वाला राहुल सिंह भी एमए का छात्र था। एक दिन परिचर्चा हुई, किस पर? कबीर और गोरख पर। कबीर, कबीर गोरख की चर्चा का जो चहेता है, बना है राहुल सिंह पर चर्चा कहां बीजे। वंदना राहुल का एक दिन परिचर्चा हुई विश्वविद्यालय में कबीर दास और गोरखनाथ पर। तमाम लड़के लड़कियां प्रतिभागी भाग लेते हैं, लेकिन गोरखपुर का जो लड़का था वो नंबर एक आया। आज जब लड़कवा एक नंबर आई तो पटना का लड़की दो नंबर आई। तमाम लड़का लड़की बोलला हूं मैं एगो बात बतावत है कि कौनो पहलवान होखे, गायक होखे, कलाकार होखे, चाहे नीक पढ़े वाला, चाहे कौनो नीक मेहरारुए होखे, अच्छा तो नीक पहलवान वाला तू केहू के भले न ताका, जोने रास्ता से जाता है तोहके सगरी लोग देखता। कलाकार वाला तो तू भले न केहू के चिन्ह तोहके सब लोग चिन्हता। नीक पढ़े वाला बाला तो तू भले ना केहू के जाना कि पढ़े लिखले हुआ कि ना, लेकिन तोहके लोग जाना था कि पढ़ले में बड़ा ठीक हुआ। आ कौनो सुंदर मेहरारू भी हो जाले, सुंदरता ऐसन चीज है। आए है कौनो बाजार से जाई तो अखिया ऐसन है भैया न, ये देखाई खातिर तो बनल है। वंदना राहुल का, वंदना राहुल का प्यार जब परवान चढ़ा, रुका है गर्भ तभी हो गया तूफान खड़ा। राहुल और वंदना में प्यार मोहब्बत सब कुछ हो गया। दोनों कसम खा लिए कि हम शादी करेंगे। अब इनकी क्वार्टर हूं जहां उनकी क्वार्टर हूं, दोनों पहले में ठीक, दोनों एमए कर रहे थे। धीरे धीरे राहुल सिंह का की निशानी वंदना लड़की के गर्भ में पलने लगी। वंदना गर्भवती हो गई। धीरे धीरे जब जनाए लागल, छिपे वाला चीज ना है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। अब धीरे धीरे, पहले तो ना बुझलस बेचारी, अब धीरे धीरे जब पेट ओकर निकले लगल, कहलस कि आय दादा अब कलासों में पढ़े नहीं जाई, का कहीं सा कि एकर ब्याह शादी है ये नहीं के, एकर बच्चा पैदा होके वाला बा। तो एक दिन राहुल से कहलस कि सुना हो, हमसे कहले हुआ ना शादी करे की, तो एक काम करा, यहां तरजबा भोजपुरी का कौनो मेहरारू कहले रहल, भैया कौनो मेहरारू ये कहले रहल मास्टर, ओनी से चिट्ठी आयल कि का हाल चाल बा प्यारी। तो मेहरारू चिट्ठी लिख के भेजले रहल अपनी मर्दे के कि कैसे मोजियत बानी,
के पियत बानी कैसे मोजियत बानी असुआ के पियत बानी मनवा मनाई के अरे चली गई बाहर हमके जियत मुआई के लड़किया हाथ जोड़ ली हलस कलस के राहुल सिंह मेरी बेइज्जती मत कराइए। ये देखें हमारे क्लास फेलो हैं ये फतेह बहादुर सिंह और विजय सिंह जी ये अलिप से लेके आज इतना पढ़ल सपरल पता चलल कि हाई स्कूल में साथ छूटल हम चल गईली मारुखपुर अलो दरगाह में जाके अपन मैं कापी ओपी सगरी फुकवा दी हलो जितना लड़का रहा से परीक्षा देवे वाला लेकिन बड़ा सम्मान करते हैं बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के दोनों लोग हैं हमारे गांव के बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा उ लड़किया कहलस की सुना प्यार मोहब्बत कैले हुआ न आई देखत हुआ कहला कि का देखत है तो लड़किया कहतिया कि बरसे लाया सुगम के दुल्हन बना ला हम सुगम के दुल्हन बना लो हमके मनवा मनाई के और लेके चल घर हमके सिनुरा पहनाई के अगर चाहत होखा कि हम हूं पढ़ ले कुछ तब क्लास में जाए लायक नहीं थी कौन मुंह लेके क्लास में जाई कुल हमार सखी सहेली और जितना छात्र हुआ बोली को बोली बोले लगी है मेरी मांग में सिंदूर डाल दीजिए शादी कर लीजिए कहलस कि अरे पगली जब तुमसे वादा किया हूं तो शादी करूंगा एक काम करो ये ना कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो तब तक दिनों नियर आ गई बा पहले तू ये संकट से तो पार हो खाओ प्रसव पीड़ा से निर्भित हो जाओ मैं वादा करता हूं तेरी मांग में सिंदूर डालूंगा और हम तो प्यार किए हैं दहेज की भी कोई बात नहीं है कहला बा राहुल प्रसव पीड़ा की बात हो बाद हो सपना सा जोरे लगली दिनवाया गोरे लगली बड़ी खुश हो गई लड़की की चला पहले हम निर्भित हो जाई संतान होई ये करी बादे हमसे शादी करिए हमारे प्रेमी हुआ सपना सा जोरे लगली दिनवाया गोरे लगली पीरवा छिपाई के और भाग गल राहुल झूठे असरा धराई के वादा तो किया शादी करूंगा लेकिन जब कुछ ही दिन बाकी बात एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि प्यारी वंदना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगा इसलिए कि तुम दूसरे जात की हो और मैं दूसरे जात का हूं मेरे परिवार के लोग कतई पसंद नहीं कर रहे हैं मजबूरी में मैं पढ़ाई छोड़ करके और यह बनारस छोड़ करके हमेशा के लिए जा रहा हूं आ चिट्ठिया लिख के गई लो करी क्वार्टर केवाड़ी की पल्ला के नीचे तनकी भर फाफर रह लो ही पड़े डाल दिया आ वो तो खुश रहल आ दादा
दुए दिन का अब समय रह गई बा, प्रसव पीड़ा से परेशान बा बेचारी, चिट्ठी पढ़तिया रोवतिया। ई का कैल राहुल, और राहुल चल दिया वहां से। त यहां गीत लग गई जौने गीत के, स्वर्गीय बेचन भाई हमारी जनपद का, ई आजमगढ़ और मऊ ही नहीं बल्कि बहुत बड़े गायक थे, पूर्वांचल के गौरव थे। तो वह गावे बेचन भाई, कैसे गावे कि आई हो रामा आखिया कह कजरावा, आई हो रामा आई हो रामा आखिया कह कजरावा, सैया मोर जुलुमा कैले हो ना। अब ना मिली किरासन से, अब ना मिली किरासन से, अब ना मिली किरासन। कहलस बेचारी कि अब हम का करी ये दादा, कहीं जोहू लायक नहीं थी, जहें जाइब लोग चिन्ह जाई। तो एगो लड़की रहल उहो बिहार कर रहल, ओकर नाव रहल निर्मला। वो भी मैं की छात्रा थी, गई अपनी सहेली की लगे बंदना, आ कहलस की ए सखी का कहत बजा के, झर झर रोवली ढारली निरावा, झर झर रोवली ढारली निरावा, हमके महुरावा दे दहो ना। कहलस की हे सखी, कहीं से माहूर ले आकर के, जहर ला करके दे देती। वो पढ़ल लिखल लड़की बा, कहलस की हम तो के जहर खरीद के ले आई, आ तू पियबू आ मुँह अबू हमके फसेबू, हम जाइब जेल। ये ना तई नहीं खे करे के गो हम उपाय बतावत है। कहली कि कौन उपाय बा, तो सहेली बतावत बा। अरे अब निर्मला सहेली भी रहली बिहार के, कहली प्रसव होई वो करे के मारे के, तब ले आई ल प्रसव पहरावा, तब ले आई ल प्रसव पहरावा, कहीं से महुरावा दे दहो। कहलस की पगली ऐसा उपाय कर देते हैं कि पता न पावे सीताराम, तुमको मैं अस्पताल में भर्ती कराऊंगी, प्राइवेट नर्सिंग होम में, चाहे लड़का होगा तब चाहे लड़की होगी तब, हम लोग अस्पताल से छुट्टी लेंगे और ले आकर उसको मार करके कहीं नाली नवदान में फेंक देंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा, आबरू बच जाएगी। लेके गई नर्सिंग होम में भर्ती करवलस, तमाम इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगत बा। डॉक्टर कहा इस लड़की का गार्जियन कौन है, आ कहलस की मंगिया में सेनूर झूठे लगा ले। जब अस्पताल में भर्ती करवलस तो थोड़े देर में दाई आके बतौलस की बेटा भइल बा। अच्छा वंदना तो कमरा में बा, सहेली बैठल बा जो हती है कि हे भगवान जल्दी कुछ हो जा। वो दाई बड़ी खुश बा, बेटा भइल बा, सोचलस की बेटा बताइब तो कुछ मिली। नेक जोग आई बेटा का नाम सुनलस मुंह गिर गई। रात बीत गई, सवेर भइल, फिर सांझ भइल, आठ बजे लगल, धीरे धीरे नौ बज गई रात का। सहेली गई डॉक्टर साहब के पास और कहलस की डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करिए, हम लोग शहर की रहने वाली हैं, कोई बात होगी तो फिर आके चेकअप करा लेंगी। अच्छा अब डिस्चार्ज करौला में धीरे धीरे बज गई पैसा रुपया देत 10:30 बजे रात। और एक घंटा लेट कैली सा, जब 11:30 बजल त रिक्शा एगो बोला के आ वही पर दोनों बैठ गई सा। सहेली अपनी गोद में लड़का के ले लेबा, लेके जब बढ़ली है आगे 80 के सामने आई दोनों। धीरे धीरे घड़ी बजा रही है रात का 12:15। रिक्शा से उतर गई दोनों,
रिक्शा वाले कितना पैसा, वो रिक्शा वाला कहलस की 10 रुपया तो के 20 रुपया का नोट निकाल के दिया कि जाओ रात में तुम लोग मेहनत करते हो जाओ। अच्छा रिक्शा वाला चल गई, अब सहेली अपने बैग को खोलती है और चाकू निकालती है, गला रेतना चाहती है लड़के का, गला काट करके सोचलस कि अगर जियते इन अलावा में फेंक दे हो सके लाई जियत रही जाए, पोल खुल जाई। बहुत ऐसा घटना हो भी गई, चाकू निकालत या कि एक रेतल जा। तब जब चाकू निकालत बा, वंदना कहती है कि सखी जरा एक बार मेरे बेटे को दे तो दो, मेरे लाल को मेरी गोद में दो, जरा देख तो लू आंख खोल करके, इस अभागा लाल को एक बार देख तो लू अपनी गोदी में लिहले बा। आज जब लिहले बा हो इतना सुंदर लड़का बा, लगल पुचकारे लगल दुलारे, आज जब दुलारे लगल तो यहां एक थे तरज लग गई। कौन गीत बा मास्टर? कैसेट का गीत है। पोत नहीं सोत नहीं का पताई, हाई तनी सुनो कवि जी लिखले हुआ, चाकू निकले बा लेकिन मतारी कहलस की तनी हमारी लाल के हमारी गोदिया में दे द बबुआ की, बबुआ की जन्मा की के मुआई, लगल धीरे धीरे दूध पियावे, लगा के दूध पिया के रोल लगली माई, बबुआ की जन्मा की के मुआई। सखी मेरे बेटे को गला रेत करके मत मारो, कोई दूसरी उपाय कर दो। सहेली डांट रही है, खबरदार जीवन भर पछताएगी तू, कहलस चाहे जवन कुछ भी होई लेकिन बचवा के मारा मत, कोनो दूसर उपाय लगा दा। सवेर भइल धीरे धीरे दोनों नया कपड़ा पहिर ली और कैली का उपाय लगावत है कि विश्वनाथ मंदिर की द्वारी, एक दोनों नया कपड़ा पहिर ली, अपन बैग वैग लटका के पहुंच गई ली सब बाबा विश्वनाथ जी की मंदिर की पास। विश्वनाथ मंदिर की द्वारी अब बचा के धैली महतारी, एक ओर से जितरे ए दशरथगंज बाजार में चाय पकौड़ी हेन तेन का दुकान बा, वही तरह वहां प्रसाद बेचे वाला नरियल चुनरी लचिताना है रक्षा सूत्र रोरी तमाम बेचने वालों की दुकान थी। एगो दुकान में गईली से कहली से कि ए चचा तनी प्रसाद दे दा, वो कहलस की 25 वाला दे कि 30 वाला दे कि 40 वाला, मनो हाईएस्ट टोकर 40 रुपया का बंडल है। कहली सक जो रुपया का मन करे तो रुपया के दे दो, वो बड़ा खुश भाई बड़ा ठीक हमार ग्राहक मिलल है सर। खैर प्रसाद दिहल 100 रुपया का नोट निकाल के दिहली से बक्सा खोल के दिहल चाहता, कहली सक घबरा मत पैसा रुपया के बात नहीं के, आ नई तौलिया रहल तौलिया नीचे बिछा के लड़का के ओजू सुता दिहली सर। चचा जाते हैं जब पूजा करे छोट लड़का बा कहीं पिशाब कर दे तब पूजा अशुद्ध हो जाई ना, तनी एके देखल करिया 10-20 मिनट।
आ वही जो दोनों अपन चप्पल निकाल दिली से अपन बैगो धर दिली से आ गैली से पूजा करे उन्हनी के पूजा करे के बाबू धैली से सर कहवा नारा विश्व मंदिर की द्वारी बबुआ के धैली महतारी है पूत कपूत हो जाला हो लेकिन माता को माता ना होली बेचारी छोड़ तो दिले बा फाता ही आरा दिल को टुकड़ा कैसे रे बिसराई बाबुआ की जन्मा की के तीन घंटा बीत गई लड़का लगल रोवे वो दुकानदार बनिया जौन बा लगल चुप करावे तो ले कई आदमी ना तनी प्रसाद दे दे कहे कि भैया तो के हम प्रसाद दें कि है प्रसाद के लेके खुदे भोगत हैं कहला साखिरकारी कवन पूजा करत अड़ी सा तनी चली देख आई गई मंदिर में तो उन्हें का पते नहीं थे चार घंटा बीत गई बा लड़का रोवता ही चुप करावता नवजात शिशु है कहना बा मास्टर सावन की बदरी प्यासी रह गई मोरे राम राम सावन की बदरी प्यासी रह गई ममता बिलक उठी तब डोल गई है काशी अरे हो का हुआ तब बनिया सोचा रूह गया है उसका काम ऐसी मैं वो कौन या भागिन जिसने किया घिनौना था मनोज यादव सीआरपी का मनोज यादव सीआरपी का आया फौजी सुना बिलाप गोद लिया बच्चे को उस दिन पालूंगा मैं बनकर बाप हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ही ना छोड़ेंगे सोचा था कि लेके चली कोतवाली में तब तक मनोज यादव सीआरपी का नौजवान गाजीपुर जनपद के उसी गांव का रहने वाला जिस गांव का नाम पहले मैं लिया गहमर गांव का मनोज यादव सोचा कि चलूंगा ड्यूटी पर जा रहा हूं तो तनी चल के बाबा विश्वनाथ का दर्शन तो कर ली गाड़ी शाम का बा उगोइल कहलत कि तनी प्रसाद दे दे भैया कहलत गरे भैया आप तो साहब बुझातनी हाकिम हुकुम कहलत की बात क्या है मैं पुलिस का आदमी हूँ कहलत की आई देखा नाम यही जो झोला बा यही जो चप्पल बा तौलिया बा पैसा अपन हमके दले ऐसे से 40 रुपया की बदले 100 रुपया कहला सचा तनी झोला द जब झोला खोल के दिखाता मनोज यादव सीआरपी का जवान तो में रद्दी कागज धैल बा कहलस की सुनो छोड़ो अब वो लौटने वाली नहीं है सब ये लड़का जो है निश्चित रूप से नाजायज संतान है इसकी मां समाज के डर के नाते तेरे पास छोड़ दिया अब तुम थाने में क्या जाओगे मैं आई गया हूं तुम अपना दुकान संभालो अपनी दुकानदारी देखो दो जो लिखना पढ़ना रहेगा मैं पढ़ लिख लूंगा कलश के साहब यही थनवा में बनी चौके थनवा में कलश की हाँ 10 दिन अले भैल बा हमके अब लड़का के लिए हलस आले के चल दी हलस अभी अपन प्रसादी और शादी बेचत बाबू ले के लईकवा के सोचता कि आ दादा एकर पालन पोषण के तरह हो लेके गई अपनी ड्यूटी पर आए वो दाई फिटियालस 1200 रुपया महीना पर
कहलस कि दूध हमार, बिस्कुट हमार, तेल हमार, साबुन हमार, तुमको सेवा करना है, अब बख्शीस भी दूंगा लेकिन लड़के का पालन पोषण करो। अब मनवा में सोचा था कि हमरो शादी नहीं के भइल, मान लो हमहू बियाह अपन कह ले, हम रहब ड्यूटी पर, छुट्टी मिलबे नहीं करी, हमरो मेहरारू ऐसा गलती कर सकेले। सोच रहा है, बढ़िया इंसान था वो, कहता कि अब शादी हम जिंदगी में नहीं करब, शादी में करूंगा ही नहीं, लड़का के लिए आके गई बा, ये जो एक लाइन तर्ज बा, कौन तर्ज बा मास्टर, यहाँ वह तरज का लाइन बाकी पास हो जाइबू, अरे पास हो जाइबू हो बबुनी कवनो इम्तहान में, अब पाल लगल हो कहा लड़का, मेरे जिंदगी का सब कुछ यही रहेगा, पाल लगल हो बाबू दीपक कुमार के, लेके गई जहां ड्यूटी करत वहां औधाई के दे दी हलस, धीरे धीरे लईकवा बढ़े लगल, तई गली समीडियम में लगल पढ़ावे, अच्छा चेतन जीवन कुआर के, धीरे धीरे लईकवा बढ़े लगल, बड़ा तेज बढ़े, तो करी संगही का लईका आवे, हेती चुका हुआ तो लेहतवत को हो गई, 11 वर्ष का लईका हो गई, आ 11 वर्ष का हो गई तो लईकन में कुलनी का नायक बन गई, देखाओ फौजी का लईका हो, लईकन के लिए आज क्रिकेट खेले, गेना खेले, अब पढ़बो करे पहलहू में ठीक रहे। एक दिन लड़का का मूड मिजाज न, एक दिन एगो गलती हो गई, का गलती भइल, रहिया में तोहरी दिहल फूल दूगो बाजवा, एगो बढ़िया फुलवारी रहल, ओमे किसिम किसिम के फूल रहे, 5-6 गो लैकन के संगे गइल, आ जाके लगल फूल तुरे, अच्छा जब एकर देखा देखी लईका कुल, देखला कि फूल तुरत आ तो पूरा बंदरिये सेना बा, कुली झुकुआ के लगला से फूल पतई कुल तुरे, तरहिया में तोड़ी दिहल फूल दूगो बाचवा, तौले रखवाला देखलस के रे बड़ा चंठ लईका बनस, तमरल बा महली तवल खींच के तमाचवा, सबसे लंठ है ये बा, एक झापर नी एक झापर है गाल पर, वो लड़का का गाल एकदम सेव मतिन लाल, आ वही पर दूगो झापर लग गई, निशान उभर गई, लगल रोवे, आ रोवत उजात बा सगरी लड़का पीछे पीछे, मनोज कोटरवे में बा कलस की पापा हमको बड़ी मार मारा है, मनोज ने आओ देखलस ने ताओ कहलस कि अरे किस साले की हिम्मत की जो मेरे लाडले पर हाथ उठाया है, बाबा। लिया के लैका कुल गई ना से कहला से कि हुए है जोन बैठल बाबा गई छबा में, मनोज कहलस कि तोनी कही जो रुका सा पकड़ लेला सो माली के, अरे माली के मरला बात तो फौजी होला थोर के, मालिक के मारे लगल फौजी होला थार के, अब पाले लगल हो बाबू दीपक कुमार के,
मालिक के बल वाले कलश की सुनो, ये परम आदरणीय श्री साहब के अलगल मारे उठा के पटक भी हलस होकर एगो टंगरी ये टूट गई। आज जब टंगरी टूट गई लगल बाप बाप चिल्लाए माली, तब छोड़ क्या चलल कलश साले, आज के बाद अगर आंख दिखला दिए मेरे लड़के पर जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा अब टंगरी तो टूट गई बा माली का, लेकिन मामला गड़बड़ा गई। का मामला गड़बड़ा गई जरा देखें। ए बाबू एसपी एडिशनल, एसपी एडिशनल रणधीर सक सेना रहले आऊ नहीं कमाली रहल आऊ नहीं का फूलावरिया। पता चला एडिशनल कमांडेंट एडिशनल एसपी रैंक के जो होते हैं उन्हीं की वो फुलवारी है, उन्हीं का माली है। मनोज यादव उसकी टांग तोड़ दिया। एडिशनल साहब गुस्से में आ गए, कैलन का कि फौजी मनोज के हो कैले सस्पेंड तुरंत, लेकिन एसपी कमांडेंट रहली एगो महिला अधिकारिया। सस्पेंड हो गया और जब सस्पेंड हो गया उसे जवाब मांगा गया, वो भी कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब जब नहीं दिया तो महिला कमांडेंट थी एसपी रैंक की, पत्र भेजी कि ए मनोज यादव तुमको सस्पेंड किया गया और तूने जवाब नहीं दिया, तो सस्पेंड के बाद अब सीधे तुम्हें बर्खास्त किया जाएगा, नहीं तो मेरे कार्यालय में आकर के पूरी जानकारी दो। ए बाबू कहलस कि अब कहा करी, वो लड़का के लिए आली अलग संग है दीपक मनोज दोनों संग ही में पैसा भैले कैले बा दीपक एसपी साहब से गोहारिया। ऑफिस के यहां 2 घंटा ही खड़ा बा, तोले सिपाही आया कहा कि चलो एसपी साहब बुला रही हैं। गईल भीतर लड़का के संगे लिए ओले बा, एसपी कहती है क्यों टांग तोड़ दिया मालिक का, जवाब मांगा गया नहीं दिए, बर्खास्त तुझे करूंगी, बर्खास्त होना ही है तुझको। जब बर्खास्त का नाम एसपी साहब ले लियो तो लड़कवा एगो बात कहलस, देखें दीपक पढ़ने में भी तेज था, एगो लड़कवा बात कहलस, कौन गीत बा मास्टर आय हाय के माई बहन भी गावे ली हो, हमारी घर का आपकी घर का माता बहन भी गावेली कि हमनीक छोड़ी के नगरी आनू हो कहवा जईबू ए माई। आ तू ही कह मोरी महतरी आनू हो कैसे करी हम विदा। मनोज कहा कि एसपी साहब आप मुझे बर्खास्त कर देंगी तो गम नहीं है, मैं तो किसी तरह से जी लूंगा, लेकिन दुख है कि एक मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, इसके भाग्य पर मुझे कष्ट हो रहा है। मनोज रोवत हुआ अतौले उलईकवा अपनी पापा की आंख में आंसू देखलस, एसपी साहब से पैरवा पकड़ के रोवत बा, रोवतान अलहर सुगनवा न हो जाला ही आबी हराई।
पैरवा पकड़ के रोवत बा, रोवतान आलहर सुगनवान हो जाला ही आभी हराई, छोड़ बेना तोहरो चरणवान हो भीख देता है माई, रो रो के लड़का कहत बा बचपन में हमारा। एसपी साहब पापा को बर्खास्त मत करिए, बचपन में हमारा के छोड़ली माँ तरिया, आय अब पापा का हमारी छोड़ावा नान करिया, हमारी पर कई दसनवान हो अभीख दईदा। लड़के की बात जब कप्तान महिला सुनती है बोल पड़ी कि अरे सिपाही तेरी तो शादी नहीं हुई है, और मामला यहां तक पहुंच गया है, लड़का है किसका, एक 420 का मुकदमा तेरे ऊपर और बनेगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। कहलिन का अरे एसपी बोली फौजी अभी कुआरे बेटा किसका है, फौजी बोली अरे एसपी बोली फौजी अभी कुआरे बेटा किसका है, आ मोह लिया है मन को आज हमारे बेटा किसका है, साफ साफ बताओ तेरे किसी मित्र का लड़का है या रिश्तेदार का है। फौजी कहा कि गांधी जी का फोटो देखता है, कहता है जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, आप बर्खास्त कर दीजिए चाहे जो कुछ करिए सब तो आपके हाथ में है। कहला मनोज जे के बेटा हम बनवली हो आ बाबा विश्वनाथ की मंदिर आवे कि हाँ पवली हो, अब जियत बानी नहीं कि सहारे बेटा किसका है, तबे सपी लगली बचावा के निहारे बेटा किसका है। सरकार साफ साफ बता रहा हूं, मैं तो दर्शन करने गया था और निश्चित रूप से यह अपने माता पिता का नाजायज संतान है। इसकी मां ने समाज के डर के मारे मंदिर के पास उस प्रसाद बेचने वाले की दुकान में छोड़ दिया। उस सिपाही बतावत बा का बतावत बा, हाय राम सगरी कहानी तब और मनोज बात लवल रे भैया, वैसन माई बाप के जी अलबधिर कारी तिरिया का खेल ना भी भाता जानी पावे भैया, दुनिया में केहू कहना बाचे तबाब रोवे लियस पी रोवे लियस पी झरे 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 नया नवा संसार, बछड़ा की बिना जैसे तड़पे ली गई अरे भैया, लागे जैसे पा
से आज ऐसे पिझर झर असुआ बहावे रे भैया। अरे रोबत रोबत भीजी गई तार तार कहला मनोज साहब आप कहे रोबत बानी अब एसपी लगी रोने बेसुध हो गई। बात सुनके जितना दरोगा सिपाही बहरे हुए सगरी भीतर, अरे भाई एसपी साहब को क्या हो गया? वो नहीं के पूछ पावत कि नहीं के कहाँ हो गई कलश किए दादा हम के बर्खास्त कर। लेकिन रोइये मत पढ़े अली नमाज अगरे में पलल रोजा। हम आपन दुखड़ा सुनावत हैं लगली पुक्का फाड़ के रोए। सिमरा बैठल बा देखा था एसपी साहब के आउ कह टकिए साहब सुनी अरे हम तो आपसे मांगे आई लली हूँ कि हमके बर्खास्त मत करी दया कभी के दे दें। अच्छा आप रोता नहीं तो खैर वो फौजी भी रो रहा था वो लड़का भी रो रहा था और जितने लोग थे उस कैंपस में उस ऑफिस में सभी लोग रो रहे हैं कलश काहे इतना रोता नहीं। तो एक बात पूछले बा एसपी बतावे लगली का बतौली एसपी कहली एसपी कहली कि खाइले धोखा हम भारी हुई बता रही है एसपी। एसपी कहली खैले धोखा हम भारी हुई आ हम ही दीपक भागिन महतारी हुई मैं ही सभागे लाल की अभागिन माँ हूं लगली बतावे रोई रोई सगरी बताई दिहली बतिया और अपनी हो लाल के लगाई हली छतिया और बेटा छोड़ नहीं रही है ऐसा रोना जैसा कमनो दुखियारी बता रही हैं एसपी साहब। मनोज मैं क्या बताऊं मैं छात्रा थी एम आई की और गोरखपुर का राहुल सिंह मुझसे प्यार किया था वादा किया कि शादी करूंगा शादी नहीं किया समाज के डर के मारे इसे मैंने ही उस मंदिर के पास उस दुकानदार के यहां दुकान में सुला दिया। कहा हुजूर मैंने जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा ये व्रत लिया है आपसे बताया ना। एसपी साहब कहली कि सुनो मनोज मैं भी उस समय व्रत ले ली कि शादी नहीं करूंगी जिंदगी में। बाद में जब आईपीएस का दर्जा पाई तो आज इस बेटे को पा रही हूं। हाथ जोड़ के एसपी कहती हैं कि सिपाही मनोज एक काम करो अब तुम्हें कोई बर्खास्त नहीं करेगा बल्कि तेरा प्रमोशन होगा। बर्खास्त नहीं तेरा प्रमोशन होगा लेकिन एक काम करो मैं भी कसम खाई थी कि शादी नहीं करूंगी और तुम भी कसम खा लिए हो कि शादी नहीं करोगे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि मैं भी अपना कसम तोड़ दूं और तुम भी अपना कसम तोड़ दो तुम मुझसे शादी कर लो मेरी मांग में सिंदूर डाल दो।
कहलस की मंदिर में या के तरे बरात और अतले के चले के परी पटना एसपी भाव विभोर जैसे चाहो वही में दो चार जना कहला कि ठीक बा अब शुभ काम में देरी कैसन इससे और कुल काम बाद में हुई लेकिन हेले अब सिंदूर रही जो पहरा दे वही उनकी अफिसर में मांग में सिंदूर डाल दिया कहना बा भाईल बा बियाह बिछुड़ा लाल पवली माई। अच्छा शादी तो कर लिया इसके बाद विधिवत दावत दी गई तमाम अधिकारी उसमें खाए भाईल बा विवाह बिछुड़ा लाल पवली माई आ बंदना मनोज बसले दिल्ली में जाई जिंदगी उजी तो चारी हाई आह मही दीपक भागिन महतारी हम कहानी यही समाप्त होती है बाबू गुरु बिहारी गुरु रमन श्याम आजी स्वर्ग सिधारे बब्बन यादव विश्वनाथ गोरख भरत भोला गिरधारी स्वरूप पूज्य हमारे अरे सावन की बदरी प्यासी रह गई राजा चंद किशोर को भाती नहीं उदासी हो सावन की बदरी प्यासी।